बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ शकीब काज़मी। नाउ वी विल कंटिन्यू आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन डिटेल। दैट वाज द एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस फ्रॉम द सेकेंड फेज। सो लेट्स ओवरव्यू फ्रॉम द last lecture. We have discussed about total five reactions of glycolysis. The first one was phosphorylation, then we talked about the enzyme hexokinase, then isomerization, then phosphorylation again, then we talked about phosphofructokinase and what are the rate limiting steps, and the fourth one is cleavage and then isomerization again. Now we will continue our lecture from oxidation. And then this is the energy gaining reactions. This is the energy gaining phases in which we gain our energy, the product of glycolysis. In this reaction, simple glyceraldehyde is oxidized and it gain another phosphate group and form 1,3-biphosphoglyceride. लास्ट रिएक्शन में हमने देखा था कि फ्रक्टोज जो है वो क्लीवेज ओके ब्रेक ब्रेक डाउन ओके दो मॉलिक्यूल्स बने थे, डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन और ग्लाइसरेडियाइड 3-फॉस्फेट. एंड देन डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट वो कन्वर्ट हो गया था आइसोमराइजेशन के थ्रू ग्लाइसरेडियाइड में, तो वहाँ पर दो मॉलिक्यूल हो गए थे ग्लाइसरेडियाइड के. ठीक है, सो अब आगे फिर ग्लाइसरेडियाइड जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और उसके अंदर जो है एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा. ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन. अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ जो फॉस्फेट आयन ऐड हो रहा है वो एटीपी के थ्रू ऐड नहीं हो रहा, वो सिंपल ऑक्सीडेशन के थ्रू ऐड हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ जो एंजाइम हमारे पास यूज होगा वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा. पहले जब भी एटीपी के थ्रू फॉस्फेट आयन ऐड हुआ था, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ था, तो जो एंजाइम हमारे पास यूज हुआ था वो काइनेज एंजाइम था. अब क्योंकि यहाँ पर जो है एटीपी की कंजप्शन नहीं हो रही, यहाँ पर सिंपल ऑक्सीडेशन हो रही है. ऑक्सीडेशन किससे हो रही है? HPO4 से. ठीक है, HPO4 में से जो है हमारे पास फॉस्फेट आयन जो है PO4 वो जो है डायरेक्ट ऑक्सीडाइज कर देगा ग्लाइसरेल्डिहाइड को, और ग्लाइसरेल्डिहाइड का ये वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर फॉस्फेट आयन अटैच हो जाएगा. जब ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये हाइड्रोजन जो है वो NAD जो कि हमने पहले पढ़ा था, निकोटिनामाइड डायमाइन फॉस्फेट, NAD जो है उसको गेन करेगा और वो बना देगा NADH प्लस हाइड्रोजन. और यहाँ पर जो एंजाइम हमारे पास यूज होगा वो ग्लाइसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज. ठीक है, डीहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, डी का मतलब होता है रिमूवल, जहाँ का डी यूज होगा उसका मतलब होता है रिमूवल. हाइड्रोजिनेज किसके लिए यूज हो रहा है? हाइड्रोजन के लिए. ग्लाइसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है सबस्ट्रेट है और उसके साथ फॉस्फेट आयन एच होगा, तो इसलिए जो है ग्लाइसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज का नाम है. और हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है 1,3-biphosphoglycerate. ठीक है, और ये भी जो है रिवर्सिबल रिएक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में होता है. एंड देन वी हैव रिएक्शन नंबर 7, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. इन दिस रिएक्शन वी हैव अगेन इन्वॉल्वमेंट ऑफ काइनेज एंजाइम. As we already know that we have now a compound of 2-phosphate molecules, that is 1,3-biphosphoglycerate. From this compound, this compound will release 1-phosphate molecule and it will gain by adenosine diphosphate and it will form adenosine triphosphate. So this is the reaction we are gaining our concerned product, that is ATP.
उसमें क्या हो गया कि इसमें जो है 1,3-bifosphoglycerate जो है अपना एक फॉस्फेट आयन लूज करेगा और वो एडीपी उसको गेन करेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को गेन करके बना लेगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और फिर हमारे पास जो कंपाउंड रह जाएगा वो रह जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। कार्बन नंबर 3 पे जो है उसके एक फॉस्फेट अटैच रह जाएगा, वो होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। एंजाइम है यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है, इनके ये जो है ये भी जो है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है जो के दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे कि आपने एरो देखे। और जब भी काइनेस यूज होगा हमारे पास को फैक्टर आएगा मैग्नीशियम का, मतलब मैग्नीशियम की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा काइनेस का, और हमारे पास प्रोडक्ट्स बन जाएंगे एटीपी और 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो जैसे कि हमारे पास हमने पढ़ना था दो मॉलिक्यूल थे ग्लिसरेट के, तो दोनों मॉलिक्यूल्स के साथ ये सेम रिएक्शन हो रहे हैं, तो एक फ्रक्टोज से जब हमारे पास दो मॉलिक्यूल ग्लिसरेट के में मिले ग्लिसरेट डिएट के, तो अब उन दोनों मॉलिक्यूल्स में जो है हमारे पास एक एक एटीपी हमारे पास यहाँ पे मिल गया, ठीक है, एक एक एटीपी दूसरे वाले ग्लिसरेट डिएट से, एक एटीपी इस ग्लिसरेट डिएट से। टोटल कंजप्शन अभी तक हमारे पास जो जो हुई है वो दो एटीपीस की हुई है जो हमने स्टार्ट में यूटिलाइज किए थे, और अब जो है हमारे पास प्रोडक्ट हमें मिले हैं 2 ATP। आगे चलते हैं रिएक्शन नंबर 8, शिफ्ट ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप, ठीक है, हमने पीछे पढ़ी थी आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन जब होती है जब कोई फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज करता है, वहाँ पर जो है कार्बोनाइल जो था सी डबल बॉन्ड ओ, वो उसने जो है एल्डिहाइडिक पोजीशन से कीटोनिक पोजीशन पे आ गया था, तो वो आइसोमराइजेशन थी। अब ये शिफ्ट ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप इसमें क्या है, ये आइसोमराइजेशन नहीं है, ये सिर्फ जो है जो फॉस्फेट आयन है वो पोजीशन नंबर 3 से हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा पोजीशन नंबर 2 पे, ये आइसोमराइजेशन नहीं है, इसलिए इसमें आइसोमरेज एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो होगा म्यूटेज। क्या म्यूटेज एंजाइम कौन होते हैं, एन एंजाइम डेट कैटलाइजेज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज फॉस्फेट और सल्फेट, ठीक है। अब यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है वो है फॉस्फेट और सल्फेट, इनकी जब भी ट्रांसपोर्टेशन होगी फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, ठीक है, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन चेन का फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज नहीं हो रहा, इसलिए आइसोमराइजेशन नहीं है, तो ये कार्बन चेन से बाहर है, ये फॉस्फेट है, इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो म्यूटेज करेगा, और यहाँ पर जो हमारे पास एंजाइम का नाम होगा वो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज है, क्योंकि ये जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रही है फॉस्फोग्लिसरेट कंपाउंड के अंदर, तो इसलिए सबस्ट्रेट का नाम आ गया फॉस्फोग्लिसरेट और म्यूटेज एंजाइम का नाम आ गया, क्योंकि म्यूटेज की फैमिली है। और यहाँ पर भी जो है मैग्नीशियम इन्वॉल्व होगा, मैग्नीशियम की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना है 2-फॉस्फोग्लिसरेट, सिंपल 3-फॉस्फोग्लिसरेट से बन गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट। देन रिएक्शन नंबर 9 दैट इज डिहाइड्रेशन। इन डिहाइड्रेशन रिएक्शन वी हैव एंजाइम इनोलेज, ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है इनोलेज है, और डिहाइड्रेशन कौन से कार्बन से होगी, एक कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 2 से, हाइड्रोजन जो है कार्बन नंबर 2 का और कार्बन नंबर 3 का OH ग्रुप, जब ये दोनों रिमूव हो जाएंगे तो हमारा H2O बाहर निकल जाएगा वाटर बन के, और यहाँ पर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो इसलिए यहाँ पर इनोल का वर्ड यूज़ हुआ है, तो अब इनोल जो है यहाँ पर प्रोडक्ट, अब ये जो है ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये भी दोनों डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर जो है हमारे पास एंजाइम है वो इनोलेट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे इनोल की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है वो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट है, और ये रिएक्शन भी जो है वो मैग्नीशियम डिपेंडेंट होता है, दिस डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज मैग्नीशियम डिपेंडेंट। नाउ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अगेन, अब हमारे पास जो एक फॉस्फेट बचा था वो भी जो है रिमूव हो जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से, और दोबारा ऑब्वियसली हमारे पास काइनेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा क्योंकि यहाँ पे एटीपी और एडीपी इन्वॉल्व है विद फॉस्फेट, और काइनेज एंजाइम जो है मैग्नीशियम की मौजूदगी में काम करता है, लेकिन यहाँ पर एक एडिशन होगा, यहाँ पर होगा एडिशन वो है पोटेशियम का, ये बात याद रखनी की कि जब भी फॉस्फोइनोल पाइरूवेट की फॉस्फोराइलेशन होगी तो यहाँ पर पोटेशियम इन्वॉल्व होगा,
ठीक है। लेकिन जब फॉस्फोग्लाइसरेट की हमारे पास बाई फॉस्फोग्लाइसरेट की फॉस्फोराइलेशन हो रही थी, यहाँ पोटेशियम इन्वॉल्व नहीं था, यहाँ सिर्फ मैग्नीशियम इन्वॉल्व था। लेकिन हमारे पास जब फॉस्फो इनोल पायरुवेट की फॉस्फोराइलेशन होगी तो यहाँ पर जो है पोटेशियम भी इन्वॉल्व होगा और एंजाइम हमारे पास पायरुवेट काइनेज होगा। पायरुवेट जो कि हमारा एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, तो इसलिए जो है इस एंजाइम का नाम भी पायरुवेट है। पायरुवेट और काइनेज जो कि इसकी फैमिली है। और आपस के साथ एक मिलेगा हमें एटीपी, ठीक है, ये वाला फॉस्फेट एडीपी ले लेगा और एटीपी बना लेगा। तो टोटल हमारे पास चार एटीपी हो गए, दो जो है इससे पहले वाली सबसे डेबल फॉस्फोरेशन में और दो इसमें, के हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं हर चीज़ के, फॉस्फेट और पायरुवेट में दो थे, तो एंड में हमारे पास दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। ये समरी है, मैं एक दफ़ा दोबारा रिविजन कर लेते हैं। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था सिंपल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बाय दी एक्शन ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज बाय एंड रिमूवल एंड एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप बाय दी कंजप्शन ऑफ एटीपी। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज इंटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फो ग्लूको आइसोमराइज एंड देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अगेन गेन अनदर फॉस्फेट बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी फॉर्मिंग फॉस्फोस फ्रक्टोज 1,6-बाय-फॉस्फेट एंड द एंजाइम इन्वॉल्व वाज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज PFK1 एंड दिस रिएक्शन वाज रेट लिमिटिंग स्टेप एंड दिस इज द पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर। देन वी हैव द प्रोडक्ट फ्रक्टोज 1,6-बाय-फॉस्फेट दैट इज क्लीव्ड इनटू टू मॉलिक्यूल्स दैट इज डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। Then dihydroxyacetone phosphate isomerize into glyceraldehyde 3 phosphate. Then we have two molecule of glyceraldehyde 3 phosphate and the enzyme involved is triose phosphate isomerase because it is a 3 carbon chain of carbohydrate. Then glyceraldehyde 3 phosphate oxidize into 1,3 biphosphoglycerate. Here the addition is phosphate is not by the consumption of ATP, it is by the oxidation. So the enzyme involved is glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase. And then 1,3 biphosphoglycerate release one potassium and form the ATP that is our product, concerned product. And then the enzyme involved is phosphoglycerate kinase. Then then 3-phosphoglycerate sorry 3-phosphoglycerate convert into 2-phosphoglycerate by shifting of phosphate ion from position number 3 to position number 2 and the enzyme involved was phosphoglycerate mutase and then 2-phosphoglycerate mutase lose one water molecule and form phosphoenol pyruvate and the enzyme involved was enolase. And then phosphoenol pyruvate lose another phosphate, the remaining one phosphate, and for the formation of another ATP molecule by the involvement of enzyme pyruvate kinase and the formation of pyruvate. That was our end product. So there are 10 enzyme catalyzed reactions in glycolysis. There are two stages. These two stages, stage one, preparatory stage in which glucose is phosphorylated, converted to fructose, which is again phosphorylated and cleaved into two molecules of glyceraldehyde 3 phosphate. In this way, there is an investment of two molecules of ATP. ठीक है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हमारे ATP का खर्च होएगा। Then हमारे पास second stage है, जिसके अंदर जो है two molecules of glyceraldehyde phosphate converted to pyruvate, that was the end product with the generation of 4 ATP molecules. And two molecules of NADH. ठीक है, पूरे हमारे पास क्या क्या जनरेट हुआ है, हमारे पास टोटल 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के जनरेट हुए हैं और 4 मॉलिक्यूल ATP के और 2 मॉलिक्यूल NADH के। दस देयर इज एन एड गेन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिस। क्यों 2 ATP मॉलिक्यूल के, 2 जो है हमारे पास कंज्यूम भी हुए थे, तो हमारे पास नेट गेन जो होगी वो 2 मॉलिक्यूल्स की होगी। ग्लाइकोलाइसिस टोटल पाथवे उसकी इक्वेशन बना के रखी है। अच्छा, ये सारा जो प्रोसेस हुआ था ये हुआ था एरोबिक कंडीशन में, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो 2 कंडीशंस में होती है, एरोबिक में भी और एनएरोबिक में। अब एरोबिक कंडीशन में जो होता है हमारे पास पायरुवेट एंड प्रोडक्ट होता है,
पाइरूवेट प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड बाय क्रैब्स साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अगर हमारे पास एरोबिक कंडीशन होगी मतलब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आ रही होगी प्रॉपरली, तो फिर जो है सिर्फ बॉडी में नहीं सिर्फ उस लोकेशन पे भी ऑक्सीजन की मौजूदगी होना ज़रूरी है जहाँ पर जो है ग्लाइकोलाइसिस हो रही है। डेट मीन साइटोसोल कहाँ पे होती है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोसोल हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि वो साइटोसोल में होती है। साइटोसोल में अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी होगी तो जो पायरूवेट पायरूवेट एंड में बनेगा ग्लाइकोलाइसिस के वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में बाय क्रैब्स साइकिल, ठीक है। और जो NADH हमारा प्रोड्यूस हुए NADH इन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैब्स साइकिल इज रीऑक्सीडाइज बाय रेस्पिरेटरी चेन विद प्रोडक्शन ऑफ मच एडिशनल ATP, ठीक है। जो हमने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ी थी उसके थ्रू जो है वो NADH दोबारा फर्दर ATP प्रोडक्शन में यूटिलाइज हो जाएगा। रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या है, टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस सब्सट्रेट लिमिटेड एंड एंजाइम लिमिटेड, ठीक है। यूजुअली हमारे पास दो तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, एक होते हैं सब्सट्रेट लिमिटेड एक होते हैं एंजाइम लिमिटेड। सब्सट्रेट लिमिटेड कौन से होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, और अगर इनकी कंसंट्रेशन जो है बढ़ती जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। When the concentration of reactant and product in cell are near equilibrium, then it is the availability of substrate which decide the rate of reaction. ठीक है, यहाँ पर जो rate of reaction है वो depend करता है availability of substrate पे, क्योंकि equilibrium से जो concentration है वो उससे जो है concentration कम होती है substrate की। लेकिन अगर substrate की concentration equilibrium से भी ज़्यादा हो जाएगी, जो equilibrium जो कि उसकी जो एक limit है, जो उसकी जो tolerance level है reaction का उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर जो है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड करेगा एंजाइम की एक्टिविटी पे। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट एंड प्रोडक्ट्स आर फार अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम देन इट इज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम दैट डिसाइड्स द रेट ऑफ रिएक्शन। बिकॉज हमारे पास सब्सट्रेट तो बहुत सारे हो गए लेकिन एंजाइम हमारे पास कम है, तो सारे सब्सट्रेट एंजाइम पे बाइंड नहीं होंगे, जब तक एंजाइम पे बाइंड नहीं होंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास सब्सट्रेट का लेवल कम है और एंजाइम ज्यादा है तो फिर जितने ज्यादा सब्सट्रेट होंगे उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। थ्री स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम विच रेगुलेट द रेट ऑफ एंजाइम। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो है तीन स्टेप ऐसे हैं, इन तीन स्टेप्स के ऊपर बेसिकली पूरे ग्लाइकोलाइसिस डिपेंड करता है और इन तीन एंजाइम्स के ऊपर बेसिकली। तो सबसे पहला था हेक्सोकाइनेज जो बिल्कुल स्टार्ट में हमारे पास यूज हुआ था, जो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा था, जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है 1,6 बाय फॉस्फेट, जिसमें फॉस्फेट का एडिशन हो रहा था। और इसके अलावा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो फ्रक्टोज के अंदर फॉस्फेट को ऐड कर रहा था, और पायरूवेट काइनेज जो कि फॉस्फोइनोल पायरूवेट को पायरूविक एसिड में कन्वर्ट कर रहा था। तो इन तीन एंजाइम के ऊपर जो है रेट ऑफ रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस का डिपेंड करता है। अब क्या होता है, अब एक दफ़ा पायरूवेट बन गया तो उसके बाद क्या होगा, अगर बॉडी के अंदर एरोबिक कंडीशन होगी तो सिंपल पायरूवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट विल कन्वर्ट इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोए एंड बाय द सिट्रिक एसिड साइकिल, बाय द प्रोसेस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल का दूसरा नाम होता है क्रैब्स साइकिल, इसके और भी दो तीन नाम होते हैं हम आगे पढ़ लेंगे। By the process of citric acid cycle, this acetyl CoA convert into carbon dioxide and water. और ये process जो है usually normal bodies में, human bodies में और animal bodies में हो रहा होता है और plants में भी होता है। लेकिन अगर anaerobic condition होगी तो ये pyruvate जो है convert हो जाएगा lactate में by the process of fermentation. Anaerobic condition कब होती है, anaerobic condition human body में भी produce हो जाती है। For example, जब मसल्स की एक विग्रस कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होगी, फॉर एग्जांपल जब हम बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं तो एक वक्त आता है कि हमारी सांस फूलने लग जाती है और जो हमारी स्टेमिना है वो ख़त्म हो जाता है। तो स्टेमिना किस चीज़ पे डिपेंड करता है, स्टेमिना बेसिकली इस प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि एक वक्त आता है कि हमारी बॉडी मसल्स को जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और एनर्जी क्या है वो ATP है। तो जो ATP कहाँ से आ रहे हैं, वो ग्लाइकोलाइसिस से आ रहे हैं। तो एक वक्त तक हमारी बॉडी जो है वो ग्लाइकोलाइसिस
नॉर्मल रिएक्शन से करते रहेगी और एटीपी प्रोवाइड करते रहेगी, लेकिन जब हमारे बॉड जब बहुत ज़्यादा विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल्स में, जो कि फॉर एग्जांपल रनिंग में हो रही होती है, तो एटीपी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस प्रोसेस को जो है, ये जो ऑक्सीजन की जो कंडीशन होती है, एरोबिक कंडीशन होती है, वो ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो जाती है? कि ऑक्सीजन जो है हमारे जो है ब्लड से जो है एक लिमिटेड क्वांटिटी में जो है हमारे सेल्स तक पहुँचती है, और जैसे ही वो सेल्स तक पहुँचती है, उस ऑक्सीजन के थ्रू जो है क्रैब साइकिल होती है, और क्रैब साइकिल से जो है फर्दर एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी बॉडी के अंदर, तो फिर जो है क्रैब साइकिल के बजाय हमारे पास फर्मेंटेशन होती है। जब फर्मेंटेशन होगी वो विदाउट ऑक्सीजन में होती है, फर्मेंटेशन से जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो चली जाती है। लेकिन इससे जो बाय प्रोडक्ट बनता है लैक्टेट या फिर लैक्टिक एसिड, ये जो है टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए। अब एक वक्त आता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा एनएरोबिक कंडीशन में बॉडी से ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे, एनर्जी की डिमांड करेंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाती है, और इससे हमें जो है पेन स्टार्ट हो जाता है। तो जब यूजुअली हमें बहुत ज़्यादा रनिंग के बाद हमारी जो है साइड में पेन होता है किडनी की तरफ, उसकी वजह यही होती है कि लिवर के अंदर लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बॉडी में पेन होना शुरू होता है। अब नॉर्मली अगर हम फिर रेस्ट करेंगे, तो ऑक्सीजन हमें कंटिन्यूसली मिलेगी, तो ये लैक्टिक एसिड दोबारा कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट एसिड में, और पाइरूवेट जो है वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, और क्रैब साइकिल के थ्रू जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो मेटाबोलाइज हो जाता है। तो ये होता है एनएरोबिक कंडीशन। और इसके अलावा एक और कंडीशन होती है हाइपोक्सिक एनएरोबिक कंडीशन, जिसमें जो है वो पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाता है इथानॉल के अंदर। ये जो फर्मेंटेशन होती है ये ईस्ट में होती है, ये जो है नॉर्मली ह्यूमन बॉडीज में नहीं होते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन इन एनिमल्स, इसमें जो सारे आ जाते हैं मैमल्स वगैरह, नॉर्मली जो पायरोवेट है वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। अब लैक्टिक एसिड में किस तरह कन्वर्ट होता है? बाय द लॉस, बाय द गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एनएडीएच यहाँ पर कंज्यूम होगा, एनएडीएच से एक हाइड्रोजन जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप ऐड कर लेगा, और ये बना लेगा लैक्टिक एसिड। ये सिंपल रिएक्शन है, और यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है लैक्टेट डी हाइड्रोजिनेस। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेस क्यों है? यहाँ पर जो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है फ्रॉम लैक्टेट, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों डायरेक्शन में है। लैक्टेट जो है उसको एज अ सब्सट्रेट अगर हम कंज्यूम वो सपोज करें, तो लैक्टेट आ गया यहाँ पर, और डिहाइड्रोजिनेस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम लैक्टेट बाय टू फॉर्म पाइरूवेट। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस कैटालाइजेस रिडक्शन ऑफ कीटो टू पायरुवेट टू हाइड्रोक्सिल, यील्डिंग लैक्टेट एज एनएडीएच इज ऑक्सीडाइज्ड टू एनएडी। ठीक है, स्केलेटन मसल्स फर्मेंट ग्लूकोज टू लैक्टेट ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन द एक्सट्रैक्शन एक्सर्शन इज ब्रीफ एंड इंटेंस। ठीक है, जब बहुत ही ब्रीफ और इंटेंस एक्सर्शन होगी, जब बहुत ही ब्रीफ और इंटेंस एक्सरसाइज होगी, मतलब ब्रीफ मतलब थोड़े टाइम के लिए होगी, क्योंकि उसके बाद फिर अगर हम उसको ब्रीफ के बजाय अगर कंटिन्यू रख देंगे, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड की होगी एक्सरसाइज, तो लैक्टिक एसिड की यहाँ पर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ब्रीफ का वर्ड यूज हुआ है। तो जो ब्रीफ और इंटेंस एक्सरसाइज होगी उसमें जो है लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होगी, और इसके बाद जो है उसकी फर्मेंटेशन होगी। लैक्टेट रिलीज टू द ब्लड मे बी टेकिन बाय द टिश्यूज एज अ स्कैटरिंग रिएक्शन एंड कन्वर्टेड टू लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज बैक टू पाइरूवेट एंड व्हिच मे बी ऑक्सीडाइज्ड इन क्रैब साइकल्स कन्वर्टेड बैक टू ग्लूकोज थ्रू ग्लूकोजनियोजेनेसिस। ठीक है, अब ये वापस जो है पायरूवेट में कन्वर्ट होगा। पायरूवेट के भी दो फेट होते हैं, या तो वो वापस ग्लाइकोनियोजेनेस ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर वो क्रैब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस अब इंशाल्लाह आगे लेक्चर पढ़ेंगे। तो दिस इज फ्रॉम द फोर्थ लेक्चर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, एंड वी विल कंटिन्यू फर्दर मेटाबॉलिज्म इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।